बंदर दिवस की हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समुदाय कर्मियों ने फूका पुतला और लगाए सरकार के मुर्दाबाद के नारे। समुदाय स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और स्वास्थ्य सेवा वेंटिलेटर पर और सरकार का मौन हड़तालियों का आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज सीपी अस्पताल चौराहे पर समुदाय नीति का पुतला फूक कर सरकार विरोधी नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक दिवसीय प्रवास के बाद से भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे न केवल 230 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले डले हुए हैं और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। वहीं कांग्रेस सहित अनेक कर्मचारी संगठन भी सने सने स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मध्य सरकार के मुख्यमंत्री सहित समूची सरकार ने मौन साधा हुआ है। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों में कितना आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते आक्रोश के साथ पंडाल लगाकर आंदोलन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी और आज माधव चौक चौराहे से 5 जून 2018 को बनी संविदा नीति की अर्थी निकाली और अस्पताल चौराहे पर उसका दहन कर दिया। इस अवसर पर एक सैकड़ों से अधिक संख्या में एकत्रित हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने जमकर सरकार के विरोधी नारे लगाए और नियमित रूप से मांग की। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं समुदाय कर्मचारियों संघ के अखिलेश शर्मा पत्रकार से चर्चा करते हुए बताया कि यह सरकार की हठधर्मिता है। सरकार को कर्मचारियों को नहीं तो कम से कम उस वोटर की चिंता तो नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तीसरी बार सत्ता में है। समुदाय कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर ग्रामीण जनजीवन पर पड़ रहा है। छोटी छोटी बीमारियों का उपचार कराने के लिए उन्हें कई किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है, जिसमें उनका समय और धन बेवजह जा रहा है। संविदा कर्मचारियों की मांग कोई नई नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संविदा को शोषण की नैतिकता का समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। क्यों वह अपने संकल्प से पीछे मुंह मोड़ रहे हैं?